शहीद पुष्पेंद्र सिंह के परिजन पहुंचे और उन्होंने बताया कि शहीद की मूर्ति का अभी तक गांव में अनावरण नहीं हुआ और न ही गांव में कोई विकास कार्य हुआ है। मथुरा के कस्बा गोवर्धन में लगे समाधान दिवस के दौरान मरगोरा के गांव खुटिया निवासी शहीद पुष्पेंद्र सिंह के परिजनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और शहीद के समय किए गए वादों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। शहीद के परिजनों का आरोप था कि बेटे के शहीद होने पर सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उनमें से कोई वादा वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरे नहीं किए गए। गाँव खुटिया में अभी तक एक भी विकास कार्य नहीं हुआ और न ही अभी तक शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ, जबकि विकास को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा झूठी रिपोर्ट लगा दी गई है। अगर गांव में देखा जाए तो आज भी गांव की स्थिति बदहाल है। वहीं जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम आपका? मावी। कहाँ की रहने वाली है? कुटिया। क्या कुछ समस्या लेके आप आई हैं? समस्या लेके आई हूँ, बेटा दिखावे और बताओ क्या करें हम, ना कोई क्या बोला है? क्या बोला डीएम साहब ने आपसे? डीएम साहब ने कह दिया सब काम है, क्या हो जाएगा, कह दिया है। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, आप समाधान दिवस में आए, जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या कोई समस्या को लेकर? अपने बेटे शहीद पुष्पेंद्र के समस्या के हिता है। क्या समस्या? समस्या वहाँ सरकार ने कोई काम नहीं किया अब तक, 2 रुपये का, इसलिए आए हम। समाधि स्थल व्यवस्था, मूर्त, बिजली, कुछ काम नहीं है। अच्छा, शहीद के उस मौके पर जो वादे किए थे वो वादे अभी तक कोई पूरी नहीं हुआ? कोई एक रुपया का वादा ना पूरा करो। कितने दिन हुए शहीद हुए? करीब 2.5 साल है। साल हो गई, आज तक कोई काम नहीं हुआ? आज तक कोई काम। अच्छा, अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हो, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जाओ आपका पूरा काम हो जाए बोला है डीएम साहब ने। आज आपने गोवर्धन में संपूर्ण समाधान दिवस में आए, क्या कुछ राग, कितनी शिकायतें आई, कितने का निस्तारण हुआ? यहाँ संपूर्ण समाधान दिवस गोवर्धन में अभी तक कुल 16 शिकायतें आई हैं और उनमें से एक का मौके पर निस्तारण किया गया है। अन्य जो शिकायतें हैं वो संबंधित अधिकारियों को अंतरित की गई हैं और एक सप्ताह में उन सभी का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सर, एक राल गौशाला का मामला आया, बता रहे हैं भूमि पे कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे समक्ष कुछ लोगों ने आके एक गौशाला के संबंध में शिकायत, एक अपना प्रत्यावेदन दिया है, तो उसका विधिक निस्तारण करने के लिए अपर जिलाधिकारी और संबंधित उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो जो नियमानुसार और विधिक होगा